أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام قاله إلا نبأتكما بتأويله قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبا إسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ودخل معه السجن فتيان یوسف علیہ السلام کے اوپر آنے والے حالات اور امتحانات کا بیان چل رہا تھا اور اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی فہم اور فراست کا امتحان اور صبر اور تحمل کا امتحان اس کا بیان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا اور بات وہی پیچھے آ چکی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجوایا اور وجہ یہ کہ اپنی بدنامی کو چھپانے کے لیے تاکہ لوگوں کی توجہات اس موضوع سے مبذول ہو کر کسی دوسری بات کی طرف منتقل ہو جائیں اس لیے اس نے ایسا کیا یوسف علیہ السلام جب جیل میں بھیج دیئے گئے تو جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور شخص بھی داخل ہوئے اور یہ دونوں کے دونوں بادشاہ کے قریبیوں میں سے تھے ایک بادشاہ کا باورچی تھا جو روٹیاں بناتا تھا اور دوسرا بادشاہ کا ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب بنا کے پلایا کرتا تھا تو ان میں سے ایک کا جرم جو شراب پلاتا تھا اس کا جرم یہ تھا بعض نے لکھا ہے کہ کسی موقع پر شراب میں مکھی آ گئی تو یہ بات بادشاہ کو ناگوار گزری یہ سبب ہے جیل میں جانے کا اور دوسرا بعض روٹیاں ایسی تھی جو باسی یا سڑاہن ان میں پیدا ہوئی تو اس لیے اس کو اس جرم میں سزا دی گئی بعض دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ ان دونوں کا جو جرم تھا وہ ایک ہی تھا کہ کسی کے کہنے پر انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملائی تھی واللہ اعلم بالصواب جو بھی ان کا جرم تھا قرآن مجید اس بات کو ذکر نہیں کرتا البتہ اس واقعے سے جو سبق حاصل ہوتا ہے قرآن اس سبق کو ذکر کرتا ہے
तो जब ये दोनों के दोनों जेल में दाखिल हुए वदखला और दाखिल हुए माहू यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ असिजना जेल में फतयान दो जवान काला अहदुहुमा उन दोनों में से एक ने ये कहा कि इन्नी अरानी आसिरु खमरा मैं देख रहा हूँ अपने आप को ख्वाब में आसिरु खमरा कि मैं निचोड़ रहा हूँ खमरन शराब को यानी अंगूरों से शराब को निचोड़ रहा हूँ बादशाह के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। वकाल आखर दूसरे ने कहा इन्नी अरानी अहमिलु फौका रासी मैं अपने आप को ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं उठाए हुए हूँ फौका रासी अपने सर के ऊपर खूब जन रोटियाँ अपने सर के ऊपर रोटियाँ उठाए हुए हूँ ताकुलु तैरु मिन्हु और खा रहे हैं परिंदे उसमें से नब्बे ना बे तावीली हमें आप बतला दीजिए इस किस्से की ताबीर इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन इसलिए कि हम देखते हैं कि आप एक एहसान वाले आदमी हैं नेकी करने वाले आदमी हैं भलाई करने वाले आदमी हैं तो हमें आप ताबीर बता दीजिए। चुनाचे उन्होंने अपने अपने ख्वाब का तज़किरा किया। अब यहाँ पर भी बाद मुफसरीन ने लिखा है कि उन्होंने हकीकत में ख्वाब देखा भी नहीं था बस उन्होंने इम्तिहान लेना था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कि देखते हैं होता क्या है और बाद ने कहा कि नहीं हकीकत में ख्वाब था वल्लाहु आलम जो भी बात थी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई। قال لا يأتيكما طعام यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर के बताने से पहले ये बात जिक्र फरमाई ला यातीकुमा तुआमुन तुर्ज़क़ानिही नहीं आता तुम्हारे पास वो खाना जो तुम्हें खिलाया जाता है इल्ला नब्बअतुकुमा मगर मैं तुम्हें बता देता हूँ बितावीलिही उसकी ताबीर और उसकी तफसील यानी जो खाना तुम्हारे पास आता है जेल की जानिब से जेल वालों की जानिब से इंतज़ामिया की जानिब से जो खाना आता है उस खाने के आने से पहले पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम उस खाने की कैफियत भी बता दिया करते थे कि आज का जो खाना आने वाला है वो ये खाना होगा और इस किस्म का होगा वो सारी तफसील बता देते और ये तफसील बता देना ये बे अम्रिल्लाह था अल्लाह की वही की जानिब से था क्योंकि अल्लाह पाक के नबी थे तो ये वही के सिलसिले से ये बात बता दिया करते थे और ये एक मौजज़ा है उस मौजज़े का इजहार करने में कोई मुजायका नहीं है और इजहार भी करना चाहिए क्योंकि नबी अपने मौजज़े का इजहार किया करता है और ये इजहार इसलिए ताकि जाहिर सी बात है कि जेल के अंदर जितने भी लोग आ रहे होते हैं गो के वो बेगुनाही क्यों ना हो लेकिन उन लोगों की नज़रों में कोई ना कोई उसका जुर्म होता है तो इसलिए उसे जेल में मुंतकिल किया जाता है। बिल्कुल यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जेल वालों की नज़र में आम कैदी की तरह थे इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के इज़न से ऐसी बातें बताना शुरू की ताकि लोग इनके मुअतक़िद हो जाएं और उस एतक़ाद के बाद जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की बात जिक्र करेंगे तो ताकि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात को बेहतरीन और अहसन तरीके से कबूल करें बात समझ जी। तो इसलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की जानिब से इस किस्म की बातें बताना शुरू की और बाकी यूसुफ अलैहिस्सलाम के अपने करीमाना अखलाक भी बेपनाह अखलाक बे इंतहा अखलाक थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के अंदर हर शख्स की खैर खबर रखते थे और अपने आप को तकलीफ़ देकर दूसरों को राहत पहुँचाते थे और जो भी आदमी बीमार होता उसकी बीमार कुर्सी करते थे गोया कि हर एतबार से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अखलाके कामिला के जरिए से लोगों को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना गर्विदा बनाया और बहुत ही कलील अरसे में सारे के सारे जेल वाले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने लगे और अर्ज ये कर रहा हूं कि मुद्दा वही है कि अल्लाह की बात इनको समझानी है। तो पता चला कि अगर कोई आदमी अल्लाह तबारक तआला की बात को समझाने के लिए और तौहीद की दावत देने के लिए मजमे को अपनी ज़ात की तरफ मुतवज्जे करता है किसी न किसी दर्जे में लोगों को कोई ऐसी बातें बताता है जिससे लोग उसके गर्विदा हों और मकसद अल्लाह की रजा हो तो इसकी गुंजाइश है और ये जायज़ है। अदी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ये अमल है।
तो कहा कि तुम्हारा खाना आने से पहले पहले मैं तुम्हें हालात बता देता हूँ, ये ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, और ये हकीकत में ये सब कुछ करना यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्यों है, ये अपने रब का तारुफ कराना है। ये नहीं कहा कि ये मेरा कमाल है, नहीं, असल रब की तरफ ले जाना चाह रहे थे जेल वालों को। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये वो बात है जो मैं खाने से के आने से पहले तुम्हें बता देता हूँ कि इस किस्म का खाना आने वाला है, ये क्या है, ये मुझे मेरे रब ने सिखाया है। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये वो चीज है जो मुझे मेरे परवरदिगार ने सिखाई है। तो इसमें गोया कि क्या हुआ, पहले से ही अब रब का तारुफ करवाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये रब ने मुझे क्यों अता किया, वजह भी बता दी, और ये खूबी समझा दी कि तुम भी अल्लाह तबारक ताला के बरगुजीदा बन सकते हो, और तुम्हें भी एक दावत है कि अपने परवरदिगार को पहचानो, और शिर्क और बुत परस्ती को तुम्हें भी छोड़ देना चाहिए। मैंने छोड़ा, अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमाया। जब भी अल्लाह ने जो मकाम दिया, उस जेल के अंदर भी अल्लाह पाक के उस मकाम, दिए हुए मकाम के मोतरफ हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, किसी भी जगह पर ज़बान में गिला नहीं आया कि देखो मैं बेगुनाह आ गया हूँ, मेरा जुर्म ये नहीं था, ये था, वो था, ऐसी कोई बात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनके सामने नहीं की। इसलिए कि जेल वालों, कैदियों के सामने सफाई देने का फ़ायदा क्या है, कोई फ़ायदा तो होगा नहीं सफाई देने का, और ना वो रिहाई का कोई इंतज़ाम कर सकते हैं। इन्नी तरक तो मिल्ला था कौ मिल्ला, वजह बताई कि मेरे परवरदिगार ने मुझे ये बातें क्यों सिखाई हैं, इसलिए इन्नी तरक तो मिल्ला था कौ मिन, बेशक मैंने छोड़ दिया है, मिल्ला था कौ मिन, उस कौम की मिल्लत और दीन को मैंने छोड़ दिया है, ला युमिनून बिल्लाही, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, वहम बिल आखिरत हम काफिरून, और काफिरों और आखरत के इनकारी हैं, और वो पक्के काफिर हैं, आखरत के इनकारी हैं। इससे मुराद कौन सा दीन है, इससे मुराद मिस्र के अंदर जो दीन राइज था, उस दीन का इनकार मुराद है कि मैं इस दीन को नहीं मानता, इसलिए कि इसके अंदर शिर्क है और बुतपरस्ती है, और यहाँ नजूमियों का अकीदा है, काहिनों की बातों पर लोग एतमाद करते हैं, और शिर्क और बुतपरस्ती में मुबतला है, और मैं इन तमाम चीज़ों को नहीं पूछता और नहीं देखता। इन्नी तरक तो मिल्लत कौमिन, बेशक मैंने छोड़ दिया है उस मिल्लत के, उस कौम की मिल्लत को जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत के इनकारी हैं। मेरा अकीदा और मेरा नज़रिया क्या है, वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक, इसको कहते हैं अपने अकीदे पर एतमाद कितना है, जिस नज़रिए पर, जिस सोच पर, जिस दीन पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कायम हैं, उस नज़रिए और उस अकीदे पर एतमाद देखिए किस तरह से इरशाद फरमाया, वत्तबअतु मिल्लत आबाई, और मैं तो इत्तिबा करने वाला हूँ अपने आबाओ अजदाद की मिल्लत की। आबाओ अजदाद से मुराद कौन, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, याकूब वालिद हैं, इसहाक दादा हैं, इब्राहिम पर दादा हैं, मैं तो इनके दीन पर चलने वाला हूं। मा कान लना अन नुश्रिक बिल्लाह मिन शै, हमें हरगिज ज़ेब नहीं देता, मा कान लना, हमें जायज नहीं है, अन नुश्रिक बिल्लाह, ये खुलासा बता दिया मजहब इब्राहिमी का, मिल्लत इब्राहिमी का खुलासा समझाया, मा कान लना, हमें ज़ेब नहीं देता, अन नुश्रिक बिल्लाह, हम शरीक ठहराए अल्लाह के साथ, मिन शई, इन किसी भी शय को, जर्रा बराबर किसी को अल्लाह के साथ शरीक ठहराए, ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, देखो बुलंद मकाम जिनका हुआ करता है, अल्लाह के यहाँ इज्जत जिनकी हुआ करती है, वो अपनी हर हर बात को, अपने हर हर कमाल को अल्लाह की तरफ मंसूब किया करते हैं। फरमाया ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि, मैं जो इस दीन पर कायम हूँ मिल्लत इब्राहिमी पर, और बुत परस्ती को मैंने छोड़ा है, शिर्क और कुफर को छोड़ा है, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनसे जो बेजारी है, ये मेरा कमाल नहीं है, मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, ये अल्लाह का फजल है हमारे ऊपर, वलाकिन अक्सर الناس لا يشكرون, लेकिन अक्सर लोग तो शुक्र करते ही नहीं है, अक्सर लोग शुक्र नहीं करते, माना अक्सर लोग सिर्फ अल्लाह तबारक ताला को नहीं मानते, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, और जब शरीक ठहराया तो ये अल्लाह की नाशुक्री, वलाकिन अक्सर الناس لا يشكرون, अपने आप को देखें भाई, अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें कि इन अक्सर में हम तो नहीं हैं, जो अक्सर अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते उनमें हम तो नहीं हैं कहीं,
हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को सुना, वो दुआ कर रहा था, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल कलीलीन, ऐ अल्लाह मुझे थोड़े लोगों में से बना दे, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल कलीलीन, थोड़े लोगों में से मुझे बना दे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या दुआ मांग रहे, ये क्या दुआ है, अल्लाह थोड़े लोगों में से बना दे, क्या दुआ है। कहा, अल्लाह का इरशाद है ना कुरान में, वो कलील मिन इबादी शकूर, मेरे बहुत थोड़े बंदे अल्लाह का शुक्र अदा करते, मेरे बहुत थोड़े बंदे शुक्र अदा करते। तो वो कहने लगा, मैं ये अल्लाह से मांग रहा हूँ कि अल्लाह उन थोड़े में मुझे भी शामिल फरमा दे, उन कम लोगों में मुझे भी शामिल फरमा दे जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हों। तो बहरहाल हमें भी मेहनत करनी चाहिए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक जो नियामतें हैं, दीनी, दुनियावी, जिस्मानी, रूहानी, कल्बी, जो भी नियामतें अल्लाह ने अता फरमाई हैं, सब की सब नियामतें काबिल शुक्र हैं, शुक्र करना चाहिए। ये तमहीदी बात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने अपने ख्वाब जिक्र किए और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पहले तमहीद बांधी कि मेरा ये मुझे परवरदिगार ने सिखाया है। देखो ये कमाल है कि मैं खाने के आने से पहले पहले तुम्हें इतला कर देता हूँ कि ऐसा ऐसा खाना आने वाला है, ये मुझे मेरे रब ने सिखाया है, ये इसलिए सिखाया है कि मैंने शिर्क को छोड़ा है और मैं यहाँ इस जो नज़रिया बुरा अकीदा है, कुफ्रिया है, उस अकीदे को मैंने छोड़ा है और मैंने मिल्लत इब्राहिमी की इत्तबा की है और ये हमें जेब नहीं देता कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं और ये जो कुछ मुझे मकाम मिला है ये अल्लाह का फजल है। या साहिब ये सिजन अरबाब, फिर एक और अंदाज से इनको समझाया, या साहिब ये सिजन, ऐ जेल के मेरे दोनों साथियों, तुम ये बताओ, साहिबा का लफ्ज कहकर और मोहब्बत उनकी हासिल की, ऐ जेल के मेरे दोनों दोस्तों, ऐ दोनों साथियों, ये नहीं कहा मुजरमो, जुर्म करने वालों, पता नहीं किस जुर्म में तुम आए हुए हो, नहीं, या साहिब ये सिजन, तो ये उनके दिलों को करीब करने के लिए ये जुमला इरशाद फरमाया। बताइए, अरबाब मुतफर्रिकून, क्या कई रब, कई रब, मुतफर्रिकून मुतफर्रिक तौर पर, कई रब खैरुन वो ज़्यादा बेहतर हैं, अम या अल्लाहु अल्वाहिदुल कहार, एक अल्लाह जो अकेला है और जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, कहार सबसे ज़्यादा जोर आवर है, सबसे ज़्यादा कहर जबर गज़ब वाला है, उसके सामने सब के सब जो है वो झुके हुए हैं, क्या वो ज़्यादा बेहतर है या बहुत सारे। मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्मान, तुम नहीं बंदगी करते हो अल्लाह के सिवा, इल्ला अस्माअन, मगर चंद नाम तुमने गढ़ लिए हैं, समई तुमुहा अंतुम, मगर चंद नाम, समई तुमुहा तुमने गढ़ लिए हैं, अंतुम तुमने, व आबाउकुम और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने, आपस तुमने खुद ही मरा लिए हैं, ये जनाब बेटे देता है, ये बेटियां देता है, ये बारिशें बरसाता है, ये रोजियां देता है, ये अपनी तरफ से फरसुदा तुमने बना लिए। मा अनज़ल अल्लाह बिहा मिन सुल्तान, देखो रब कौन होता है, रब ये नहीं हो सकता कि जहाँ से उठाया और उस पत्थर को बना के अपना रब या उसको रब के क़ुर्ब का ज़रिया बनाया, ऐसा नहीं होता। मा अनज़ल अल्लाह बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने कोई दलील इस पर थोड़ी दिए कि इसको रब बनाओ, इसको रब बनाओ, इसको ना बनाओ, इसको बनाओ। अल्लाह तबारक ताला के यहाँ तो ये दलील है कि अल्लाह के सिवा जिन जिन को तुम रब मानते हो, जिन जिन को तुम माबूद मानते हो, वो सब के सब बातिल बेकार हैं। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, इख्तियार तो सिर्फ सारा अल्लाह के पास है, बेटे देने का इख्तियार, बेटियां देने का इख्तियार, बारिशों का इख्तियार, इन मुसीबतों से निकालने का इख्तियार, जेल से रिहाई का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के पास है। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, सल्तनत अल्लाह की, बादशाहत अल्लाह की, इख्तियार अल्लाह का। तो हुक्म का माना सारे तर्जमे आप कर सकते हैं, इख्तियार अल्लाह का, हुकूमत अल्लाह की, फैसला अल्लाह का, ताकत अल्लाह की, समझे, ये सब माने आ सकते हैं इसमें। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, अमर अल्लाह ताबुदू इल्ला, उसने तो ये हुक्म दिया है अल्लाह ताबुदू के तुम मत बंदगी करो, इल्ला इया, मगर उसी ही की बंदगी करो, उसने ये हुक्म दिया है ला ताबुदू, मत बंदगी करो मगर उसकी। ये एक कुरान का अंदाज है,
और ये अरब जबान के अंदर ये अंदाज बहुत ज़्यादा राइज था कि किसी भी बात को जब पक्का समझाना होता था तो नफी करके इस बात करते थे। एक बात ये आ जाए कि तुम अल्लाह की इबादत करो और एक बात यह कि तुम किसी की बंदगी न करो मगर अल्लाह की, तो इस जुमले में ज्यादा ताकत है। यही वजह है कि जो कलिमा हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले नफी है फिर इस बात है, सब की नफी कर दी, ला इलाहा कोई भी माबूद नहीं है, कोई भी मस्जूद नहीं है, कोई भी हाजत रवा नहीं है, कोई भी मुश्किल कुशा नहीं है, कोई भी बिगड़ी बनाने वाला नहीं है, कोई भी सेहत देने वाला नहीं है, कोई भी मुश्किल से निकालने वाला नहीं है, इल्लल्लाह मगर अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह ही है, सिर्फ अल्लाह ही। आप गौर तो करो ये क्या कलिमा था, इस कलिमे के अंदर क्या जान और ताकत थी कि जिसने अरब को हिला दिया। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो कुरैश आपके इर्द गिर्द जमा हैं, जब अबू तालिब का इंतकाल होने लगा तो सब जमा हैं, अबू तालिब ये अपने बच्चे को समझा के जाओ भतीजे को, इसने हमारे दरमियान में जुदाइयाँ डाल दी हैं, तफरीक पैदा कर दी है, लिहाजा आप इसे समझाइए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चचा ने बुलाया और कहा कि ये कुरैश बैठे हैं और ये कह रहे, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं इनको सिर्फ एक कलिमा पेश करूंगा, अगर मेरी एक बात वो मान लेते हैं तो पूरा अजम इनका गुलाम बन जाएगा और अरब पर इनकी सरदारी हो जाएगी, सिर्फ एक बात कहूँगा। तो सरदारों ने कहा एक क्या, तुम दस कहो भाई। अच्छा ये बात है कि अगर आपकी एक बात मानने से अरब में हमें हुकूमत मिल जाए, आजम भी हमारे गुलाम बन जाए तो और क्या चाहिए, एक नहीं दस। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात रखी, बस तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। तो ये कहना था कि सब के सब बिगड़ गए और कहने लगे अजअल अल आलिहा इलाहन वाहिदा इन हादा लशयउन उजाब, ये सब के सब माबूद इसने यकजान कर दिए, हमने तो बनाया हुआ है बारिशों वाला अलग है और सेहत देने वाला अलग है, रोजी वाला अलग है, बेटों वाला अलग है, बेटियों वाला अलग है, ये 360 से जायद बैतुल्ला में रखे हुए हैं, इनसे हमारे काम और जरूरियात पूरी नहीं हो रही तो एक क्या जरूरत को पूरा करेगा, समझे जी। तो ये बात थी, इस तौहीद से उनको एलर्जी थी, इससे सख्त तकलीफ थी। वही दादो कि अल्लाह वहदह इश्म अज़्ज़त कुलूबुल्लदीन ला युमिनून बिल आखिरा वइदा ذكر الذي من دوني اذا هم يستبشرون, जब सिर्फ अल्लाह का तज़किरा होता तो बिगड़ जाते, जब अल्लाह के साथ किसी और को भी मिला दिया जाता, हाँ ये भी कुछ करता है ये भी कुछ करता है, तो ये खुश हो जाते, समझे जी। तो ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा है ना, इसमें बड़ी ताकत है, बड़ी जान है। मैं क्या पता आज ला इलाहा इल्लल्लाह बस हम अरसे से पढ़ते चले आ रहे, माओं की गोदों में हमें कलिमा मिल गया है, हमें क्या पता ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर क्या है, और ना इसको सीखने का कभी सोचा, समझे ना। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह ये सब नफी करता है, सब चीज़ों की नफी करता है, एक अल्लाह के लिए इस बात हो जाता है इसमें। और इसी पर आज हमारी नशिस्त है इंशाल्लाह, तरबियती नशिस्त जो बच्चों की है, जिसमें हमने पहले कलमे के मफहूम को समझाना है और इसी तरह से चौथा कलमा कलमे तौहीद उसके मफहूम को समझाना है और सूरह इखलास और इसी तरह से दुनिया में बड़ा बनने के उसूल और ज़ाबते इस्लामी तरीक़े के मुताबिक क्या हैं वो इंशाल्लाह आज रात की हमारी बच्चों में। तो उसमें आपसे इल्तिमास है, दरख्वास्त है कि बच्चों को खुद लेकर आए और लाजमी लेके आए। तो बात यह थी कि अमर अल्लाह ताबुदु इल्ला इया, उसने तो हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की बंदगी न की जाए, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये है वो दीन अल क़य्यिम जो ख़त्म होने वाला मनसूख होने वाला नहीं है, तौहीद एक ही रही है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस मंजिल को जानते नहीं हैं, इस बात को समझते नहीं हैं, वो अल्लाह के साथ शरीक ठहरा बैठते हैं। या साहिब सिजनी,
अब ये दावत पूरी हो गई, उसके बाद अब आओ ख्वाब की ताबीर बताना। तो ख्वाब की ताबीर, पता ये चला कि अगर आपके पास कोई शख्स अपनी हाजत और ज़रूरत को लेके आता है तो उसकी हाजत और ज़रूरत को पूरा करने से पहले कुछ अल्लाह की बात उसके सामने रखी जाए, कुछ दावत उसके सामने रखी जाए। ये अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है, ये पैगंबरों का शेवा है कि उसके सामने पहले अल्लाह की वहदानियत और तौहीद की बात रखी और उसके बाद अब ख्वाब की ताबीर बताई। या साहिबा ये सिजन, ए जेल के मेरे दोनों साथियों, अम्मा अहदकुमा, और तुम में से जो एक है, फयस्की रब्बहु खमरा, वो पिलाएगा अपने सरदार को, अपने आका को खमरन शराब, व अम्मल, यानी उसकी नौकरी वापस बहाल हो जाएगी, आज़ादी उसको रिहाई मिलेगी और उसकी नौकरी वापस बहाल हो जाएगी, उसी मनसब और उसी ओहदे पर और उसी मुलाजमत पर दोबारा फायज हो जाएगा। वो अमल आखर, और जो दूसरा है, फयुसलब, उसको सूली पर लटका दिया जाएगा, मुजरिम करार दिया जाएगा, फताकुलु तैरु मिन रासी, और वो जो ये देखा था इसने ख्वाब में कि सर से परिंदे रोटियां निकाल के खा रहे हैं, फताकुलु तैरु, तो परिंदे उसकी ताबीर यह है कि खाएंगे परिंदे मिन रासी ही उसके सर से बोटियां नोच नोच उसके खाएंगे। आदमी जब मर जाता है तो जाहिर है जानवर नोचते ही हैं। قضي الامر الذي فيه تستفتيان, قضي الامر, हो गया फैसला, الذي فيه تستفتيان, जिसमें तुम दोनों तलब कर रहे थे। यहां बाद मुफसिर ने कहा कि एकदम वो डर गए और कहा नहीं नहीं हमने ये ख्वाब नहीं देखा, तो उन्होंने इनकार कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देख कहा, फरमाया देखा था या नहीं देखा था, अब ये मामला हो गया इसी तरह से, अब ये ताबीर ऐसी ही है। इसलिए जहन उलमा ने लिखा है कि झूठ ख्वाब कभी भी नहीं बयान करना चाहिए। झूठा ख्वाब, एक चीज़ आपने देखी नहीं है और वो किसी ने किसी के सामने आप बयान कर दें मैंने ख्वाब में ये देखा, तो ये जायज़ नहीं है, गुनाह है। इसलिए कि ख्वाब को नबुव्वत का 46वां हिस्सा कहा गया है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना, लम यबका मिनन्नबुव्वति इल्लल मुबशिरात, नबुव्वत अब बाकी नहीं रही, हाँ अलबत्ता मुबशिरात हैं। पूछा गया अल्लाह के रसूल मुबशिरात क्या है, फरमाया अर्रुया सालिहा, नेक ख्वाब। यानी जिस तरह से वही के जरिए से इंसानों की तरबियत हुआ करती थी और इंसानों को रहनुमाई मिला करती थी, अब सिलसिला नबुव्वत तो ख़त्म हो गया, वही तो आसमान से नहीं आएगी, अलबत्ता अच्छे ख्वाबों के जरिए से अहले ईमान की तरबियत होती रहेगी, जहाँ किसी जगह पर उनको इशारे मिलते रहेंगे कि इस वक्त अल्लाह की तरफ से ये मंशा है, अल्लाह की ये चाहत है। और दूसरी बात ये कि कुछ आने वाले अहवाल से मुतालिक ख्वाबों में इत्तला कर दी जाती है, तो इसीलिए फिर ख्वाब कहा जाता है कि किसी लबीब और हबीब, अक्लमंद भी और जो समझदार भी हो, उसके सामने ख्वाब बयान किया करो ताकि वो आपके ख्वाब की अच्छी और बेहतर ताबीर कर सके। बसा औक़ात यकीनन वो ख्वाब ताबीर के लायक होता है, ताबीर जैसे की जाती है फिर इसी तरह से हो जाता है। अल्लाहु अकबर। तो इस तरह से इस्तेहज़ा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हज़रत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह से के मुतालिक आता है कि एक मरतबा चंद जवानों ने, बदमाशों ने यूं हज़रत के साथ इस्तेहज़ा करने का इरादा किया, और इस्तेहज़ा और मजाक इस तरह से किया कि भाई एक शख्स को हम क्या कर देते हैं, मुर्दा करार देते हैं, उसे कफन पहना देते हैं और उसको हज़रत के सामने ले जाएंगे कि भाई जनाजा पढ़ें, और जब तकबीरात शुरू होगी तो एकदम से उठ जाएगा और उससे हंगामा मच जाएगा और हज़रत खौफजदा हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो इसी तरह से वो ले गए और जब लेटाया और सामने जनाजा रखा हुआ है, जब तकबीरात कही तो अब एक तकबीर तो ना उठे, दूसरी तो ना उठे, पीछे वाले ने खंकारा, हज़रत समझ गए, तो फरमाया अब ये क़यामत नहीं उठेगा, मर गया, अब ये क़यामत नहीं उठेगा, अब नहीं उठेगा। इस्तेहज़ा करते हो तुम, अल्लाह के दीन का इस्तेहज़ा करते हो, मजाक उड़ाते हो, अल्लाह वालों का मजाक उड़ाते हो, तो ये इस्तेहज़ा कोई अच्छी चीज़ है क्या? समझिए, तफरी के लिए और चीज़ें थोड़ी हैं। कुल अबिल्लाही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, क्या तुम अल्लाह के साथ इस्तेहज़ा करते हो, अल्लाह के रसूल के साथ इस्तेहज़ा करते हो, अल्लाह की आयात और अल्लाह के अहकाम का मजाक उड़ाते हो तुम? आज भी दुनिया इस कस्म की मिलती है आपको, जो जा बजा दीन का मजाक उड़ाना, आयात का मजाक उड़ाना। अच्छा, जहाँ बराह रास्त दीन पर हमला आवर नहीं हो सकते तो दीन वालों पर हमला करते हैं, उलमा पर हमला करते हैं, ये क्या है? ये इस्तेहज़ा है।
अपनी ज़बानों को काबू में रखो, अपनी ज़बानों को कंट्रोल करो। उलमा के ख़िलाफ़ बोलने, अहल इल्म दीनदार तबके के ख़िलाफ़ बोलने से अपनी ज़बानों को काबू में रखो। ये सब शैतान शैतानी ख्यालात हैं और शैतान ज़ालिम तुम्हारे आमाल बर्बाद करेगा। ये बात हो गई। वकाल अल्लज़ी ज़न्न अन्नहु नाजिम, अब यहाँ एक बात और भी है, वो भी ज़ेहन नशीन फरमा ले। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के करीमाना अखलाक, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या है करीमाना अखलाक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के यहाँ पर? ये आप देख लीजिए कि ये नहीं फरमाया कि भाई तुम जो है ना सूली पे जाओगे और तुम आज़ाद हो जाओगे, तसरी नहीं की। क्या कहा? अम्मा अहदकुमा, तुम दोनों में से एक। सुभान अल्लाह, तुम दोनों में से एक। क्यों? अब ये तसरी इसलिए नहीं की कि एकदम, ताकि वो जो आदमी है जिसको सूली पे जाना है, ताकि उसे कोई गम ना हो वक्त से पहले पहले, ताकि उसे कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस तरह से ताबीर बताई। وقال للذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربي وقال يوسف عليه الصلاه والسلام نے ارشاد فرمایا للذي اس شخص کو ظن جس کے بارے میں یقین ہو گیا تھا انه ناج کہ یہ نجات پا جائے گا منهما ان دونوں میں سے وہ جس کے متعلق یہ بات تھی کہ یہ بادشاہ کا دوبارہ ساقی بنے گا اور اسی منصب پر فائز ہوگا اسے کیا کہا اذكرني تذکرہ کرنا عند ربك اپنے بادشاہ के पास अपने सैयद और आका के पास तज़किरा करना मेरा भी तज़किरा करना उज़्कुरनी मेरा तज़किरा करना इंदा रब्बे का अपने बादशाह के पास ये तज़किरा इसलिए करना ताकि उसे पता चले कि वो बता देना कि जेल में एक कैदी पड़ा हुआ है और बगैर किसी जुर्म के उसको डाला गया है पता नहीं वो डाल के भूल गए मैंने पीछे मैं अर्ज़ किया था आपको याद होगा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को यकीनन पता था कि यहाँ ना मेरा बाप है ना भाई है ना यहाँ मेरे हक में कोई दावा करेगा ना कोई सिफारिश बात करेगा ना कोई मुकदमा लेकर आएगा ये सब बातें थी ज़हन में अजनबी मुल्क था यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ तो बुला दिया शैतान ने فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ बादशाह के सामने तज़किरा करने से बुला दिया बादशाह के सामने जिक्र करना उसको बुला दिया किसको जो नजात पाया था ना उसको कहा था कि बादशाह के सामने जाके तज़किरा करना कि जेल में एक बेगुनाह कैदी पड़ा हुआ है तो बादशाह के पास जब वो गया उसी मनसब पर फायज हुआ तो अब उसे वो बात याद ही न रही शैतान ने बुला दिया समझे जी जब शैतान ने बुला दिया तो फिर क्या हुआ फरबिथा फिसजन बिज़ासिनीन तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर रह पड़े जेल के अंदर बिज़ासिनीन चंद और साल बिज़ासिनीन तो ये तकरीबन यूसुफ अलैहिस्सलाम के जेल का जो ज़माना है 7 साल 9 साल बाज़ ने कहा 12 साल भी था लेकिन ये कि 10 से कम वाले कौल ज़्यादा राइज है इसलिए कि बिज़ा का इतलाक़ जो होता है वो 1 से लेकर 3 से लेकर 9 तक इसका इतलाक़ होता है 9 तक तो मतलब ये कि 8 साल 9 साल का अरसा इतना वक्त जेल के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम का गुजरा तो यकीनन जेल के अंदर एक दिन का गुजरना भी इंसान के लिए किस कदर शाक होता है मशक्कत वाला होता है और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह तवील ज़माना गुजारा यहाँ एक बात और भी ज़हन नशीन फरमा दीजिए कि मा तहतल असबाब किसी से मदद लेना और रिहाई का मुतालबा किसी से करना और कोई इस किस्म का मुकदमा लड़ना और अपने आप को मशक्क़त से उस तकलीफ से निकालने के लिए किसी आदमी के सामने कोई इल्तिजा करना ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जाहिरी सबब जो अपनाने की कोशिश फरमाई है इससे पता चला कि यह कोई तवक्कुल के खिलाफ नहीं बात समझे जी وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف यहां ये बात भी ज़हन नशीन फरमाइए पहले अर्ज कर चुका हूं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक एक दिन जेल के अंदर रहना ये मिन जानिबिल्लाह अल्लाह की जानिब से एक तरबियत का निज़ाम था ऐसा नहीं होता इत्तेफाकी तौर पर इत्तेफाकी दुनिया में कोई शय नहीं है मैं फलां जगह पर गया इत्तेफाक से ये हो गया इत्तेफाक कुछ भी नहीं होता ये सब अल्लाह के इरादे से मेरे और आपके नज़दीक तो इत्तेफाकी हो सकता है चलो आप इसको मुहावरे में ले ले कि हाँ भाई इत्तेफाकी से मुराद ये होती है कि हमारे नज़दीक इत्तेफाकी हुआ मेरे और आपके नज़दीक तो इत्तेफाकी है अल्लाह के यहाँ कोई शय इत्तेफाकी नहीं होती
वहां अटल फैसला है, ये पहले से ये तय था, ये होना है, फला दिन इन्होंने जेल में जाना है, फला वक्त पे वहां से रिहाई होगी, एक एक चीज अल्लाह क्या मुकर्रर और मुतय्यन है। وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की फिरासत का एक और इम्तिहान आया, समझ और फिरासत का एक और इम्तिहान, और फिर यूँ समझ लीजिए कि रिहाई के आहिस्ता आहिस्ता असबाब पैदा होना शुरू हो गए। वकाल मलिक, बादशाह ने कहा, अब मुल्क मिस्र का जो बादशाह था उसका ये ख्वाब है आगे, इन्नी अरा सबा बकरातिन सिमानिन, उसने अपने वजारा से सबको बुलाया और सबसे कहा, मैं देख रहा हूँ ख्वाब के अंदर सबा बकरातिन सिमानिन, सबा सात, बकरात गायें सात, सिमानिन मोटी, याकुल हुन्ना उन सात मोटी गायों को खा रही हैं, सब उन इजाफुन सात दुबली पतली कमजोर गाय उन्हें खा रही हैं, और वह सब आ सुम्बुलातिन, और मैं देख रहा हूं सात सुम्बुलातिन खोशे खुदरिन तरोताजा, सात गंदम के तरोताजा खोशे में देख रहा हूं, वह उखरा याबिसातिन, और सात में देख रहा हूं खोशे गंदम के लेकिन खुश्क देख रहा हूं, सात खोशे तरोताजा और सात खुश्क देख रहा हूँ, और सात गायें मोटी देख रहा हूं, और उन सात मोटी गायें को खा रही हैं सात दुबली पतली गायें। ये ख्वाब एक अजीब सा ख्वाब था, इसकी क्या ताबीर होनी चाहिए। मैंने अर्ज किया था कि ख्वाब तीन तरह का होता है, एक तो शैतानी ख्वाब होता है और एक नफसानी ख्वाब होता है, नफसानी जो दिल में आदमी काम करता है बातें करता है वही ख्वाब में आ जाती है तो इसकी कोई ताबीर नहीं होती, और एक शैतानी है, एक ड्रावा ख्वाब में आ गया और इसी तरह से जनाब इस किस्म का कोई एकदम से डरते हुए आदमी उठा, और एक ख्वाब ऐसा होता है कि जो कभी न सोचा न कुछ एक अजीब सा ख्वाब आया तो यकीनन वो ख्वाब काबिल ताबीर होता है, सुबह के वक्त का ख्वाब हो वो काबिल ताबीर होता है, उसकी ताबीर पूछनी चाहिए। तो या अय्युहल मला, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हाँ ये मिस्र का जो बादशाह था उसने ये कहा, या अय्युहल मला, ऐ मेरी सल्तनत वालों, वो ज़रा अफ्तूनी, मुझे फतवा तो दो, फी रुया मेरे ख्वाब के बारे में, इन कुन तुम लिर रुया तअबुरून, अगर तुम ख्वाब की ताबीर बताना जानते हो या तुम में से कोई शख्स ख्वाब की ताबीर बताना जानता है तो बताए। कालू, कहने लगे, असगास व अहलाम, हमारा ख्याल यह है कि असगास व अहलाम ये ऐसे ही ख्यालात हैं, कोई ख्वाब नहीं है, ये ऐसे ही मुंतशिर ख्यालात हैं और ये इसकी कोई ताबीर नहीं है, ये काबिल ताबीर नहीं है। पहली बात तो हमें ये लग रहा है कि ये काबिल ताबीर है ही नहीं है, ऐसे ही ख्यालात हैं। दूसरी बात यह है कि हम कोई ख्वाबों की ताबीर जानते भी नहीं हैं, किसी जानने वाले से आप पूछिए। तो पता चला कि आदमी को अपने कमजोरी का एतराफ कर लेना चाहिए, भाई हम नहीं जानते हैं जी, आप किससे किसी ने ख्वाब बयान किया तो एकदम बस ताबीर बताना शुरू, नहीं बस तो ये हो जाएगा, अरे भाई क्या जरूरत है तुम्हें बयान करने की, समझे जी। एक शख्स ने ख्वाब में देखा, उन्होंने कहा कि मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मेरा सर काट दिया गया, आप मुस्कुराए, कहा शैतान खेल रहा है तुम्हारे साथ, शैतान तुम्हारे साथ खेल रहा है। अब कोई आदमी उसे कहे नहीं बस तेरा तो सर कटेगा ही कटेगा, अब तो तू बचेगा थोड़ी, तूने तो देख लिया ख्वाब। एक आदमी ख्वाब में देख रहा मैं मरा हुआ हूँ, बाप मरा हुआ है, माँ मरी हुई है, कोई भी मरा हुआ है, जो जिंदा है उसकी मौत देखता है, एकदम से हम बस अब तो खैर मराओ अपनी, अरे भाई क्या जरूरत है ऐसी, समझे जी। अल्लाह अकबर। एक शख्स ने ख्वाब देखा कि उसके दांत गिरे हुए, समझे जी। तो एक आदमी से पूछा कि क्या ताबीर है, तो उसने कहा कि आपके बहन भाई सब मर जाएंगे। अच्छा, तो अब उसे गुस्सा आया, बादशाह था ये भी, उसने उसे कत्ल कर दिया। फिर दूसरे को बुलाया, भाई ताबीर इसकी क्या है, मैंने ख्वाब में देखा मेरे दांत गिरे हुए, कहा आप अपने ख़ानदान में सबसे लंबी उम्र पाएंगे। बात समझे जी, बात एक ही है, ताबीर एक ही है कि आपके बहन भाई के मरने की तरफ इशारा है, यानी आप मरता देखेंगे। तो उसने दूसरे ने क्या कहा कि आप लंबी उम्र पाएंगे, अपने ख़ानदान वालों में सबसे आखिर मरेंगे। तो बताने का अंदाज़ है ना, बात एक ही है, उसने कितने खूबसूरत अंदाज से जिक्र की और इसने किस तरह से, तो इसलिए ज़रा सोच समझ के आदमी को बात करनी चाहिए कि इस तरह से किसी के ख्वाब को ख़राब नहीं करना चाहिए, और बताना भी हर एक को नहीं चाहिए हमें।
वमा नहनु बितावील अहलाम बिआलिमीन, और बात तो ये है कि वमा नहनु और हम नहीं हैं बितावील अहलाम बिआलिमीन, आलिमीन जानने वाले, बितावील अहलाम ख्वाबों की ताबीर को जानने वाले हम नहीं हैं, हमें कुछ ज़्यादा समझ में आता नहीं है। وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امه وقال اور کہا الذي نجا اس شخص نے نجا جس نے نجات پا لی تھی منهما ان دو میں سے ان دو قیدیوں میں سے جس نے نجات پا لی تھی اس نے کہا اچھا جی اس نے کہا کیا کہا وہ آگے آ رہا ہے وذكر اور اسے یاد آ گیا بعد امه ایک زمانے کے بعد اسے یاد آ گئی یہ بات क्या याद आ गई कि जेल में एक शख्स ना उसने मेरी ताबीर बताई थी कि तू रिहा हो जाएगा और तू बादशाह के दोबारा उसी मनसब पर पहुंचेगा, वो तो हो गया हूँ, तो उसने मुझे कहा था कि मेरा तज़किरा जाके बादशाह के सामने करे, आज उसे याद आ गई तो इसने क्या कहा अना उनब्बिउकुम मैं तुम्हें बताऊंगा भी तावील ही इस ख्वाब की ताबीर फारसिलूनी लिहाजा तुम मुझे भेजो कहाँ भेजो मुझे जेल में भेजो और मैं वहाँ से पूछ के आता हूँ और वहाँ जेल में एक आदमी है बड़ा अच्छा आदमी है अच्छे अखलाक का है अच्छी ताबीर बताता है। ये सारी बातें बीच में हुई हैं लेकिन कुरान उस बात को जिक्र करता है जो मकसूदी बात है फारसिलूनी तुम मुझे भेजो, तो गोया कि ये सारा इंतज़ाम हुआ होगा और भेजने का इंतज़ाम हुआ होगा वो शाही प्रोटोकॉल के साथ गया होगा बादशाह के पास, बादशाह का आदमी है जेल में गया होगा और जनाब जेल के दरवाजे पर दरबान से जो बातचीत हुई वो सब बात यानी यहाँ कुरान जिक्र नहीं करता, सीदा जेल में अब आए जाके यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो कलाम हुआ है वो कलाम जिक्र है यूसुफ अय्युहा सिद्दीक ए यूसुफ सच्चे अफ्तिना फी सब्अ बकरातिन अल्लाह 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 अफ्तिना फतवा दीजिए हैं बता दीजिए हमें फी सब्अ बकरातिन सात गायों के बारे में सिमान इन सात मोटी गाय के बारे में या कुलहुन्ना उनको खा रही हों सब्अ इजाफुन सात दुबली पतली गाय व सब्अ सुम्बुलातिन और हमें बताइए सात खुशों के बारे में खुजरिन जो तरोताज़ा हों और व उखरा या विसात और सात खुश्क खोशे गंदम के उनके बारे में बताइए ये सात खुश्क जो है तरोताज़ा पर लिपटे हुए थे लअल्ली अर्जिउ इलन्नासी ताकि मैं लौट जाऊँ वापस लोगों के पास जिन्होंने मुझे भेजा है लअल्लहुम यअलमून ताकि वो समझ सकें इसकी ताबीर लअल्लहुम यअलमून ताकि वो ख्वाब की ताबीर बोलो नंबर दो लअल्लहुम यअरिफून ताकि वो समझ सकें आपका हक भी समझ सकें आपकी मंजिलत को पहचान सकें कि आप कितने कीमती इंसान, ये दोनों बातें हो सकती हैं लअल्लहुम यअलमून ताकि वो लोग समझ सकें। अब यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई उसे ताना नहीं दिया, अच्छा आया है ना इतने ज़माने के बाद, आज जब फंसा ना तो फिर आया, अल्लाह बड़े बुलंद अखलाक हैं भाई, बड़े बुलंद अखलाक हैं, बड़े करीमाना अखलाक हैं, तो ये अखलाक इंसान के होने चाहिए। समझे जी, तो ये बुलंद अखलाक का जो मालिक होता है ना उसे ऐसा ही करना चाहिए, इसी तरह से करना चाहिए कि कोई शख्स आपके पास ज़रूरत लेकर आता है जब आए जिस वक्त आए तो आपके बस में उसकी ज़रूरत को पूरा करने का इंतज़ाम है तो उसकी ज़रूरत को आप पूरा फरमा दीजिए। समझे जी, आप उसे कोई ताना ना दें कि आप इतने अर्से बाद आए हो, ये हुआ है फलां हुआ, समझे जी। अब हमें रोज़ाना सैकड़ों फ़ोन आते हैं, दसियों फ़ोन आते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, एक आदमी काम के लिए बात, तीन साल के बाद फ़ोन आ रहा है, चार साल के बाद फ़ोन आ रहा है, कभी हम ये नहीं कहते कि भाई नहीं अच्छा इतने अर्से के बाद तुमने फ़ोन किया, आज काम पड़ा है फ़ोन किया, बस अवकात वो जनाब पूछते हैं कि आपसे मिलना है, अच्छा क्यों मिलना है, तो जब पूछते हैं वजह तो काम वहीं बता देते हैं तो फिर मिलना भी इसके बाद गवारा भी नहीं करता, अच्छी बात है भाई चलो ठीक है हमारा वक्त भी कीमती बन जाता है। तो अर्ज़ करने का मकसद है कि जिसकी जो ज़रूरत आपसे पूरी हो सकती है वो पूरी करें। قال تزرعون سبع سنين دابا ये ख्वाब में जो दो चीज़ें दिखाई गई थी सात जो है वो गाय जो है वो मोटी और सात दुबली पतली और दुबली जो है वो मोटी गाय को खा रही है तो ये इशारा कहत साली की तरफ था कि कहत आने वाला है।
कैंस की तरफ इशारा इस तरह से था कि सात जो है वो मोटी गाय। अच्छा, गाय का काम क्या है? ये हल जोतती है जमीन में, समझे? गाय से मुराद सिर्फ गाय मादा नहीं है, बैल भी हो सकता है, समझे? तो इसका काम क्या है? जमीन में हिरासा करना, यानी हल जोतना, और काश्तकारी में ये जानवर काम आता है। और दूसरा इसी तरह से गंदम के खोशे ये जमीन से, तो जाहिर सी बात है कि ये गल्ला का की फरावानी की तरफ इशारा था। तो सात मोटी गाय और सात तरोताज़ा खोशे, ये इशारा था कि सात साल खूब फरावानी होगी। खूब क्या है? फरावानी होगी, खूब पैदावार होगी। और फिर सात दुबली गाय उस सात मोटी को खा रही हैं, और सात खुश्क खोशे सात तरोताज़ा पर लिपटे हुए हैं। ये इशारा था कि अगले सात साल क्या आएंगे? वो बड़े कहत साली के आएंगे, बड़े सख्त साल आएंगे, सात खुश्क साली हो जाएगी। तो सात साल पहले फरावानी के, फिर सात साल जो है वो खुश्क साली के, और उसके बाद फिर से एक साल वापस आएगा फरावानी का। तो ये 15 साल की कुल मुद्दत थी कि 15 साल की इस मुद्दत में एक अच्छा इंतज़ाम करने वाला मुदब्बिर आदमी होना चाहिए जो इस इंतज़ाम को देख सके, समझे जी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की तबीर बताई पहले। قال تزرعون سبع سنين دابا، अजीब अंदाज से बताई, सिर्फ ताबीर नहीं बताई, ताबीर के साथ तदबीर भी बताई कि कहत आने वाला है और उस कहत से आपने निमटना कैसे है। काला फरमाया तज़रऊन, तुम ज़राअत करते रहोगे, खेतियाँ करते रहोगे, सबअ सिनीन सात साल, दाबन मुसलसल लगातार सात साल खूब खेतियाँ करोगे, खूब तुम जन्नत ज़मीन में हल जोतोगे और खूब आपका सब्जा निकलेगा ज़मीन से। फमा हसद तुम, तदबीर ये है, फमा हसद तुम, और जो तुम हासिल करोगे, जो तुम खेतियों को काटोगे, फजरूहू उन खेतियों को, उस पैदावार को छोड़ देना, फी सुम्बुल ही खोशों के अंदर ही छोड़ देना, ताकि घुन न लगे, ताकि ख़राब ना। दो तरीके होते थे, एक ये है कि ना आप गंदम का जितना भी गल्ला ज़मीन से पैदावार हासिल हुई है, गंदम है जो है या कोई भी शय है, उसकी सफाई सुथराई करके फिर स्टोर कर दिया जाए। और दूसरा तरीका ये है कि सफाई न की जाए, उनको खोशों के अंदर ही रहने दिया जाए। तो खोशों के अंदर रहना जो कुदरती इंतज़ाम है, बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम है, उसके अंदर घुन नहीं जाएगा, समझे जी, उसके अंदर नहीं जाएगा घुन, और वो ख़राब नहीं होंगे, कीड़ा नहीं लगेगा, ख़राब नहीं होंगे, कोई कीड़ा उन्हें नहीं खाएगा। तो इसलिए तुम अंदर ही रहने देना, खुशों से उसको साफ़ नहीं करना। हाँ, इल्ला कलीलन, साफ़ इतनी करना, मिम्मा ताकुलून, जो तुम खाओगे। तो खाने की मकदार वो तो निकाल के साफ़ करते रहना, बाकी सारी को साफ़ नहीं करना है, इसलिए कि ये सात साल फरावानी के हैं, और इन सात सालों में जो जो पैदावार हासिल होगी, अपनी सिर्फ वो पैदावार आपको साफ़ करनी है जो रोज़ाना के इस्तेमाल की है या इस साल के इस्तेमाल की है, बाकी पैदावार स्टोर करो, उसी तरह से स्टोर करते रहो, जमा करते रहो। और ये इतना बड़ा कहत आने वाला था कि जिसका असर मिस्र से लेकर शाम तक, आगे यमन, बहरैन, दूर दराज के इलाकों तक इसका असर जाना था, इतना बड़ा कहत आने वाला था। फिर क्या होगा? सुम्मा याती मिन बाद दालिका, फिर इसके बाद आएंगे सबअन शिदादन, सात साल सख्त, शिदाद सख्त। फिर क्या होगा? ये सात साल क्या करेंगे? या कुल नमा कद्दम तुम, ये सात साल खा जाएंगे जो तुमने इनके लिए जमा किया था, ये सात साल सारा कुछ खा जाएंगे। सात साल नहीं खाएंगे, मतलब सात सालों में आप खा जाएंगे, लेकिन कुरान इस अंदाज से जिक्र करता है कि वो कहत साली के साल ऐसे खौफनाक होंगे कि वो सात खौफनाक साल आपके सारे गल्ले को ख़त्म कर देंगे, जिसको आप उर्दू में यूँ ताबीर कर सकते हैं कि वो सात साल ऐसे कहत साली और खुश्क साली के खौफनाक साल होंगे कि तुम्हारे पास जितना भी गल्ला है वो सात साल सारा का सारा गल्ला ख़त्म कर लेंगे। इल्ला कलीलन, हाँ, मिम्मा तुहसिनून, फिर भी तुमने कुछ रखना है महफूज करके, बीज के लिए रखना है। ऐसा नहीं कि अगले सात साल जो कहत साली के हों, उन कहत साली के सालों में आपने सारा गल्ला निकाल कर खा लिया हो, ये भी नहीं करना है, बल्कि क्या करना है? बीज के लिए भी तो रखना है, अगले साल फिर फसल आपने उगानी है, तो कुछ तो रखना पड़ेगा।
ثم یأتی من بعد ذلک, پھر ان 14 سالوں کے بعد پھر ایک اور سال آئے گا, عام فیہ یغاث الناس, جس کے اندر خوب مدد دی جائے گی لوگوں کو, وفیہ یعصرون, اور اس میں خوب خوب جو ہے پھلوں سے رس نکلے گا, خوب نچوڑیں گے, خوب زمانہ آئے گا, پھلوں کی پیداوار خوب ہوگی, ہر قسم کے جو پھل میوہ جات ہوں گے. یہ خواب کی تعبیر بتا دی اس قاصد کو جو بادشاہ کی جانب سے آیا تھا. اس نے آ کر بادشاہ کو سارا قصہ سنا دیا کہ بھئی یہ اس نے تعبیر بتائی ہے, اور اس تعبیر کے ساتھ وہ تدبیر بھی اس نے یوں یوں بتا دی ہے کہ 7 سال جو ہے پہلے فراوانی کے ہوں گے, اس میں آپ نے غلے کو اسٹاک کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے اسٹاک کرنا ہے کہ خوشوں کے اندر ہی آپ نے رکھنا ہے, اگلے سال 7 جو ہوں گے وہ خشک سالی کے ہوں گے, اور ان 7 سالوں کے اندر آپ غلے کو استعمال کرتے رہیے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کیجئے گا کہ بیج کے لیے آپ کو چھوڑ دیں گے. یہ باتیں بڑی معقول اور بڑی مدبرانہ اور بڑی حکیمانہ باتیں تھیں. جب بادشاہ نے ان باتوں کو سنا تو وہ متاثر ہوا اور کہنے لگا, وقال الملک, بادشاہ نے کہا, ائتونی بھی, جس شخص نے یہ خواب کی تعبیر بتائی اس کو میرے پاس لے کے آؤ, میں خود سننا چاہتا ہوں وہ کہتا کیا ہے. فلما جاءه الرسول, اب جب دوبارہ پیغام لے کر گیا آدمی قاصد بادشاہ کی جانب سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کی رہائی کی نوید لے کر آیا ہوں, خوشخبری لے کر آیا ہوں, بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں, بادشاہ آپ کے کلام سے بڑے متاثر ہو گئے اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر فرمایا, جلد بازی نہیں کی, کہا اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک پہلے وہ احوال نہ سامنے آ جائیں, جن عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا انہوں نے کیوں کاٹا تھا, ان سے وجہ پوچھیے. تو مطلب یہ تھا کہ اپنے اوپر جو الزام لگا ہوا تھا اس الزام کی براءت چاہتے تھے. تو ایک شخص کو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ اگر کوئی الزام لگا ہے تو اس الزام کی صفائی کا انتظام جو ممکن ہو سکے اسے کرنا چاہیے. بات سمجھے؟ تو یہ یوسف علیہ السلام نے اس کا انتظام فرمایا. فلما جاءه الرسول, جب قاصد آیا یوسف علیہ السلام کے پاس, قال, یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ارجع, واپس جا, الى ربک, اپنے بادشاہ کے پاس, فاسأله, اور جا کے ان سے پوچھئے, ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن, ما بال, کیا حال ہے النسوۃ عورتوں کا, اللاتی, وہ عورتیں, قطعن ایدیہن, جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا, مجھے دیکھ کے کاٹ ڈالا تھا, ان ربی بکیدہن علیم, بے شک میرا پروردگار ان کے قید کو جانتا ہے, ان کے مکر اور فریب اور منصوبے کو جانتا ہے. یہاں ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے, یوسف علیہ السلام کے کریمانہ اخلاق اور بلند اخلاق تھے, یہ نہیں فرمایا, حالانکہ مجرمہ تو ایک تھی نا, سمجھی, مجرمہ تو ایک تھی, عزیز مصر کی بیوی زلیخا, تو یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کے زلیخا سے پوچھواؤ اس نے کیوں مجھے جیل میں بھجوایا. جی, تو عزیز مصر کی عزت کو داغدار نہیں کرنا چاہتے تھے, یہ خیال رکھا کہ عزیز مصر, اگر میں یوں کہوں کہ عزیز مصر کی بیوی نے مجھے کیوں بھجوایا تھا جیل میں, جاؤ اس سے پوچھو, تو اس کے نام کی تصریح نہیں کی, امراۃ العزیز نہیں کہا, عزیز مصر کی بیوی نہیں کہا, اس لیے کہ اسے دکھ ہوگا, کس کو, عزیز مصر کو دکھ ہوگا, اور ظاہر ہے اس نے مجھے عزت دی, مجھے ٹھکانا دیا ہے, تو تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے, اس لیے کہا کہ ان سب عورتوں سے پوچھو کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹوائے تھے وہ کیا معاملہ تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہ مجرمہ تو نہیں تھی نا, وہ تو صرف بتا دیں گی کہ ہاں اس پر الزام تھا, تو میرے اوپر کوئی بات نہیں آئے گی. قال ما خطبكن اذ راودتن یوسف عن نفسه, تو بادشاہ نے ان سب کو بلوا لیا. بادشاہ کے لیے ان سب کو بلوانا کیا مشکل تھا, بادشاہ نے سب کو بلوا لیا. ما خطبکن, بادشاہ نے کہا کیا معاملہ ہے تمہارا, اذ راودتن یوسف عن نفسہ, جب تم سب نے بہکایا ہے یوسف کو اس کی جان کے بارے میں. قلنا, سب نے کہا, حاشا للہ, اللہ کی قسم, حاشا للہ, اللہ پاک ہے, ما علمنا علیہ من سو, ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں کسی برائی کو, ہم اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتے, یوسف کی کوئی برائی نہیں ہے. اچھا, ادھر سے یہ سب من جانب اللہ انتظام ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کی رہائی کا اور یوسف علیہ السلام کی صفائی کا. قالت امراۃ العزیز الان حصحص الحق, تو کہہ پڑی, بول پڑی, سمجھے جی, امراۃ العزیز,
अजीज मिस्र की बीबी क्या बोल पड़ी, अल आन हस हसल हक, अभी हक बात जाहिर हो गई है, इसलिए कि अब छुपाने का कोई फायदा है नहीं। अनरावतु अन नफ्सी, आज इकरार उसने कर लिया, अनरावतु अन नफ्सी, मैंने उसे बहकाया है, अनरावतु अन नफ्सी व इन्नहु लमिनस सादिकीन, वो सच्चा था, उसने सच बोला और मुझसे झूठ हुआ कि मैंने उसको गुनाह की तरफ बहकाया है। ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين। बात ये रही, यूसुफ अलैहिस्सलाम ये कहना चाह रहे हैं, मैं ये सारी तफ्तीश इसलिए करा रहा हूँ, इसलिए करा रहा हूँ इस तफ्तीश को कि ताकि अन्नी लम अखुन हो बिल गैब, ताकि पता चल जाए उसको, किसको, अजीज मिस्र को पता चल जाए जिसके घर में मैं रुका हुआ था, ठहरा हुआ था, कि उसकी गैर मौजूदगी में मैंने उसके घर के साथ कोई खयानत नहीं की। नंबर दो, ताकि पता चल जाए लोगों को कि खयानत करने वाला बुलंद मनसब पर आने का हकदार नहीं होता, तो अल्लाह पाक मुझे बुलंद मनसब पर ला रहा है, समझी। और जाहिर सी बात है कि कल जब मैं मनसब पर पहुंच जाऊंगा, अगर सफाई का मामला नहीं हुआ और अजीज मिस्र के दिल में वो शक और शुभा रहा कि शायद इसने कुछ किया हो, तो वो शायद मेरे इख्तदार की वजह से बोल ना पाए, लेकिन उसके दिल में एक बात तो रह जाएगी ना, बुराई तो रह जाएगी, तो मैं चाह रहा हूं कि उसकी सफाई हो जाए। बात समझ आई भाई, ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب, और ये तफ्तीश इसलिए करा रहा हूँ, ليعلم, ताकि वो जान ले, कौन जान ले, अजीज मिस्र, क्या जान ले, अन्नी के बेशक में, लम अखुन हूँ, मैंने उसके साथ खयानत नहीं की है, बिल गई भी उसकी गैर मौजूदगी में, वो अन्न अल्लाह, और ये बात भी समझ में आ जाए, ला यहदी कैद अल खाइनीन, अल्लाह तबारक ताला रहनुमाई नहीं करता खयानत करने वालों को, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, और मैं बरात नहीं, मैं बरात जाहिर नहीं करता, वमा उबर्रिउ, मैं बरी नहीं करता अपने नफ्स को, बहरहाल नफ्स तो नफ्स है इंसान का, इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, बेशक नफ्स लअम्मारतुन गुनाहों का हुक्म देने वाला है, अम्मारा हुक्म देने वाला है, बिस्सू गुनाह का, इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर जिस पर अल्लाह पाक रहम फरमा दे वो तो बच सकता है, इन्न रब्बी गफूरुर रहीम, बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। नफ्स की तीन किस्में होती हैं, एक नफ्स अम्मारा है, गुनाहों का हुक्म देने वाला, नंबर दो नफ्स लवामा है, मलामत करने वाला नफ्स, कि जो आदमी को नेकी की कमी पर भी मलामत करता है, गुनाह पर भी मलामत करता है, और तीसरा नफ्स है नफ्स मुतमइन्ना, के तबीयत शरीयत जिसकी तबीयत बन जाए, वो नमाज ना पढ़े उसे चैन ना आए, तिलावत किए बगैर उसे चैन ना आए, जिस तरह से भूख लगती है और भूखे को खाने की तलब होती है, खाए बगैर उसे चैन नहीं आता, इसी तरह से नफ्स मुतमइन्ना वाले शख्स को बगैर नमाज पढ़े चैन नहीं आता। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ये कहा जाएगा, ए नफ्स मुतमइन्ना, जब रूह निकलेगी, इर्जिई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया, चल तू अपने परवरदिगार के पास इस तरह से कि तू राजी अपने रब से और रब तुझसे राजी, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, दाखिल हो जा मेरे बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। अल्लाह पाक ये सब हम सबको अता फरमाइए नफ्स में। अब यहाँ एक कौल और है, और कुरान के अल्फाज दोनों तरफ मशीर हैं, कोई हर्ज नहीं है, ذلك ليعلم, अगर इसको जुलेखा का कौल करार दिया जाए, यानी जुलेखा ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया और उसने कह दिया कि हाँ मैंने इसको बहकाया था, ذلك ليعلم, तो वो ये कह रही है कि मैं अपने जुर्म का एतराफ़ इसलिए कर रही हूँ, ليعلم, ताकि मेरा शौहर जान ले, अन्नी लम अखुनहु बिलगैब, कि मैंने उसकी गैर मौजूदगी में कोई खयानत नहीं की, कहीं ऐसा ना हो, नहीं समझे बात को, दोनों एहतमाल हैं, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी कौल हो सकता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं अपनी सफाई इसलिए करा रहा हूं ताकि अजीज मिस्र को पता चल जाए कि मैंने उसकी गैर मौजूदगी में कोई खयानत नहीं की, और दूसरी बात कि जुलेखा ये कह रही है, दालिका इसका माकबल के साथ, चूंकि इससे पहले किस्सा जुलेखा का चल रहा है औरत का, कि उसने कहा था कि हाँ मैंने ही उसको गुनाह की तरफ फिसलाया है, तो दालिका लिया आलम गोया कि वो ये कह रही है कि मैंने आज अपने गुनाह का जुर्म का एतराफ इसलिए किया है ताकि मेरे शोहर को पता चल जाए कि उसकी गैर मौजूदगी में मैंने कोई गुनाह नहीं किया, दिल तो था लेकिन किया नहीं है मैंने,
बात समझे, गुनाह के ख्यालात तो आए, मैंने बहकाया तो है लेकिन ये गुनाह मुझसे हुआ नहीं है, जिना जैसा जुर्म मुझसे हुआ नहीं है। वअन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, और अल्लाह पाक रहनुमाई नहीं किया करता, कामयाब नहीं हुआ करते खयानत करने वाले। वमा उबर रही, और वही कह रही है कि मैं अपने नफ्स की बरात नहीं कर सकती, इसलिए कि नफ्स तो इंसान को गुनाहों को हुक्म देता ही है। बात समझी, तो दोनों एहतमाल हो जाए तो कोई हरज नहीं है, इसका कौल हो या इसका कौल हो, बात दोनों की बिल्कुल बराबर है। وقال الملك اتوني بي استخلصه لنفسي, किस्सा हो गया पूरा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये बात तहकीक करवा ली, और तहकीक भी हो गई और उन औरतों ने एतराफ़ और इकरार भी कर लिया, फिर कासिद आया तीसरी मरतबा और आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अब आपको बादशाह बुला रहा है, और उन औरतों ने अपने जुर्म का एतराफ़ और इकरार कर लिया और आपकी सफाई के तमाम इंतजाम हो गए, अब बादशाह आपको बुला रहा है। वकाला, कहा बादशाह ने, ओ तो नहीं भी उसको ले आओ मेरे पास, अस्तखलिस हूँ नफ्सी, मैं उसको खालिस कर दूँगा अपने आप के लिए, यानी अपना ख़ास मुरीद उसे बनाऊंगा, अपना खास मुशीर, मुरीद नहीं, अपना खास मुशीर उसे बनाऊंगा, वो मुझसे मुझे मशवरा देगा कि किस तरह से आने वाले इस कहत से मैं किस तरह से निमट सकूं, तो मैं चाह रहा हूं कि वो मेरा खास उल खास और खास मुकर्रब बन जाए, और ये भी है कि मैं हुकूमत का इंतजाम उसके सुपुर्द करूंगा। फलम्मा कल्लमहु क़ाला इन्नका अल्यौमा लदैना मकीनुन अमीन, फलम्मा कल्लमहु, जब बादशाह ने कलाम किया, बातचीत की, यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के सामने आए और अब जो है ना एक शाही इज्जत के साथ प्रोटोकॉल के साथ बादशाह के पास लाए गए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर ख्वाब की ताबीर फिर से दोबारा से बताई और सारी तदबीरें समझाई, और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की इन बातों को जब सुना तो बेहद मुतासर हुआ और कहने लगा ये तो आदमी तो बहुत समझदार आदमी लगता है और ऐसे इंसान की हमें जरूरत है। कहा, कहने लगा, इन नगल योम, बादशाह कहने लगा, आज के बाद आप हमारे पास, लदैना हमारे पास, मकीनुन अमीन, मकीन हमारे पास एक मुअज्जज आदमी की हैसियत से रहेंगे। पता चला कि किसी को जब कोई मनसब दिया जाता है तो उसे इज्जत पहले दी जाती है, इसलिए कि उस मनसब से वो सही काम जब करेगा कि जब आप उसको इज्जत देंगे। तो मकीन का मतलब क्या हुआ कि हम इसको आज इज्जत देंगे। अमीनुन मोतबर आदमी है, अमानतदार है, आप अमानतदार। अच्छा जी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, मुझे आप बना दीजिए, निगरान बना दीजिए, अला खज़ाइनिल अर्ज़, इस ज़मीन के ख़जानों का मुझे निगरान बना दीजिए, यानी मिस्र की जो ज़मीन है इसके तमाम के तमाम ख़जानों का मुझे आप निगरान बना दीजिए, और ये मनसब और ओहदा आप मुझे दे दीजिए। इन्नी हफीज़ुन अलीम, इसलिए कि मैं हिफाजत भी करने वाला हूँ और मैं जानने वाला भी। यहाँ चंद बातें ज़हन नशीन फरमा लें, और बड़ी अहम बातें हैं। वो बातें ये हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये मुतालबा फरमाया कि आप मुझे यहाँ का निगरान बना दीजिए और वज़ीर ख़जाना बना दीजिए, इस मनसब का मुतालबा फरमाया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुतालबा करना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में ये बात है कि जिस आदमी ने कोई मनसब तलब किया और तलब किया अपनी शौक़ से, खुशी से उसने तलब किया, तो उसको अल्लाह की जानिब से उसमें मदद नहीं मिलेगी, और जिसने तलब नहीं किया और उसे सौंपा गया तो अल्लाह पाक फिर उसकी इसमें मदद करेगा। तो बहरहाल मुतालबा करना, किसी भी जगह पर मनसब का मुतालबा करना, बेशुमार अहादीस इसकी मजम्मत करती हैं कि मुतालबा नहीं करना चाहिए। अलबत्ता अलबत्ता ये मुस्तस्ना ज़रूर मौजूद है और सहाबा की ज़िंदगियों में ये पाया जाता है कि अगर आप उस मनसब के अहल भी हैं, नंबर एक, नंबर दो, आप जानते हैं कि आपके सिवा कोई और इस तरह से बेहतरीन इंतज़ाम नहीं कर सकेगा, अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मामला ज़ाया होने की तरफ चला जाएगा और बात जो है वो नुकसान होगा, कभी नुकसान का, उम्मत के नुकसान का अंदेशा हो, लोगों के माल और जानों के तल्फ होने का अंदेशा हो, तो उस मौके पर न सिर्फ कबूल करना बल्कि कबूल करना वाजिब है, मुतालबा करना ज़रूरी है। नंबर एक कि आप जानते हैं कि आप बेहतर इंतज़ाम कर सकेंगे, नंबर दो आप जानते हैं कि आपसे ज़्यादा कोई और अच्छा करने वाला नहीं है, तो फिर आपको मुतालबा करना चाहिए। ज़ाहिर है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अंदर पैगंबराना एक तदबीर थी,
और पैगंबराना एक तदबीर के साथ एक सियासत थी, समझी। सियासत से मेरी मुराद आज की सियासत नहीं है, जिसको हम जब लफ्ज सियासत हम कहते हैं तो सियासत तो आज तो इसको गाली बना दिया गया है। सियासत क्या थी? कानत अम्बिया ओ बनी इसराइल, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अम्बिया। फरमाया बनी इसराइल की सियासत अम्बिया किया करते थे। कुल्लमा हलक नबीयुन, जब भी कोई नबी दुनिया से रुखसत हो जाता तो दूसरा नबी उसके जगह पर आ जाया करता था। तो सियासत कौन करते थे? अम्बिया करते थे। सियासत असल में कहा जाता है कि कौम की फलाह और बहबूद के लिए मजहबी, दीनी, इंतज़ामी, रिफाई, समाजी तमाम के तमाम उमूर को अंजाम देना, समझे। आज दुनिया कहती है नहीं, सियासत और मजहब एक दो अलग अलग चीज़ें। तो भाई ये दो अलग अलग चीज़ें, तो अम्बिया अलैहिस्सलाम ने क्या किया है, उनकी ज़िंदगी में है क्या? मजहब भी उन्होंने फैलाया है और साथ लोगों के समाज भी उन्होंने देखे, समाजी काम भी उन्होंने किए हैं, लोगों की तमाम ज़रूरियात भी देखते थे। क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा के अंदर आपका ये अमल नहीं था? आप अलैहिस्सलाम किस कदर खबरगीरी रखते थे, कहीं कोई हाजतमंद हो उसकी हाजत को पूरा करना, ज़रूरतमंद हो उसकी ज़रूरत को पूरा करना, वहाँ की तमाम निज़ाम को देखना। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला, अबूबकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला, ये सब खिलाफत क्या है, लेकिन वहाँ ये था कि जो शख्स उस वक्त मजहबी इमाम है वही सियासी इमाम भी है, सियासी मुक्तदा भी वही है। तो गोया कि एक ही आदमी सियासत भी किया करता था और मजहब को भी वही देखा करता था, समझ। तो आज तो ये तो गैरों की साजिशें और चालें हैं कि जिनमें हमने इन दोनों चीज़ों को अलग अलग कर दिया है और सियासत और मजहब दो एक अलग रुख हमने बना दिए, बिल्कुल गलत बात है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ मिस्र के अंदर क्या काम है? यही तो काम है कि इंतज़ाम संभाला, समाज का इंतज़ाम संभाला, रिफाई कामों को देखा कि किस तरह से इस गल्ले को वाफिर मकदार में काश्त किया जाए पहले 7 साल में और फिर आइंदा 7 सालों में किस तरह से उन्हें उस गल्ले को खर्च किया जाए। देखिए एक बात तो यह है कि मुतालबा यूसुफ अलैहिस्सलाम का दुरुस्त था, दूसरी बात यह है कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो मनसब सौंपा गया, ये मनसब कौन सा है? ये वो मनसब है जिसका ताल्लुक जहन से है। दो तरह के मनसब होते हैं, एक ऐसा मनसब होता है जिसका ताल्लुक जो है जिस्मानी ताकत से होता है और एक ऐसा मनसब है जिसका ताल्लुक जो है वो जहनी ताकत से होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये जो मनसब है ये जहनी ताकत से, तो इसमें क्या क्या सलाहियतें होनी चाहिए देखिएगा। हफीज़ुन अलीमन, हफीज़ुन अलीमन, अमीनुन, ये तीन चीज़ें देखिएगा ज़रा। अमानतदार हर जगह ज़रूरी है और नंबर दो हिफाजत करने वाला भी हो, यानी हिफाजत करना उसकी जानता हो किस तरह से महफूज करना है गल्ले को, हैं जी, हफीज़ हिफाजत करता हो और अलीम और साथ साथ तमाम तरीक़ेकार को जानता भी हो, समझी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जब अल्लाह पाक की तरफ से मदियन जाने का फ़ैसला हुआ तो मदियन में हज़रत शुएब के पास जो वक्त उनका गुजरा है वहाँ पर क्या था, इन्नका लकवीयुन, आप कवि भी हैं और अमानतदार भी हैं। वहाँ चूँकि जिस्मानी काम था, बकरियों को पानी पिलाना, बैर के काम करना, तो उस काम के लिए जिस्मानी ताकत काम के लिए कवि आदमी चाहिए, अमानतदार वहाँ पर भी है, इसलिए कि अमीन दोनों जगह पर होना ज़रूरी है, समझे जी। तो ये बात हो गई। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यहाँ मिस्र का इख्तियार मिल गया। वकदालिक मकन्ना लियूसुफ फिल अर्द, इस तरह से हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ठिकाना दे दिया मिस्र के अंदर। यतबव्वउ मिन्हा हैथु यशा, जहाँ चाहें ठिकाना पकड़ें, जहाँ चाहें रहें, जिस जगह पर चाहें रहें। बादशाह ने कोई दखल अंदाजी नहीं की इनके किसी भी काम में। अभी एक सवाल आता है कि काफिर बादशाह था, उसके इख्तदार को किस तरह से कबूल किया है? तो बात वो है 100% पता था कि ये मेरे किसी मामले में मुदाखलत नहीं करेगा, तो कोई हरज नहीं। नुसीबु बिरहमतिन मन नशा, हम पहुंचाते हैं अपनी रहमत जिसको चाहे। वला नुज़िउ अजरल मुहसिनीन, और हम जाया नहीं करते एहसान करने वालों के अजर को। और यूसुफ अलैहिस्सलाम हमेशा एहसान करते थे, हमेशा भलाई और नेकी करते थे, लिहाजा इनके अजर को जाया नहीं किया। वला अजरुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून, और वला अजरुल आखिरति, और आखिरत का अजर खैरुन, ज्यादा बेहतर है, लिल्लज़ीना आमनु, लोगों के लिए जो ईमान लाए, व कानू यत्तकून, और बचने वाले हैं वो शिर्क से और कुफर से। वजा इख्वत यूसुफ वदखलू अलैहि फअरफहुम वहुम लहू मुनकिरून,
अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के इखवा बरादरान यूसुफ आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, अर्ज किया था यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ पर हैं? मिस्र में। और ये बरादरान आए कहाँ से? शाम से। और इस कहत यानी ये अब यूँ समझे ना, कुरान मकसूदी बात को ले आता है। पहले वो 7 साल गुजर गए जो 7 साल फरावानी के थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खूब अदल के साथ इंसाफ के साथ उन गल्लों को खूब काश्तकारी, पूरे शहर में ये हुक्म दे दिया, मुल्क में हुक्म दे दिया कि खूब इन 7 सालों में ज़रात और काश्तकारी और अपनी निगरानी में ज़रात और काश्तकारी कराते रहे। जब कराते रहे और ये 7 साल पूरे हुए तो खूब गल्ले की वाफिर मकदार हुई, आम सालों से ज़्यादा इस मरतबा हुई, इसलिए कि जनाब किया था अल्लाह की तरफ से ये बात तय थी कि वाफिर होगा। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहुत अहसन अंदाज से इसको संभाला, मुस्तहिकीन को इतना दिया जितनी उनकी ज़रूरत थी, गैर मुस्तहिक को ताकि न पहुँचे। खैर 7 साल ये इंतजाम गुजर गया। अब अगले 7 साल शुरू हुए कहत साली के, यानी आप यूँ समझिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ मुकर्रर हो गए और अब वो 7 साल शुरू हो गए हैं जो कौन से हैं? फरावानी के हैं। फरावानी के 7 साल हो गए। अब उसके बाद जब अगले 7 साल आ गए खुश्क साली के, तो फिर वजा इख्वत यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए गल्ला लेने के लिए उस वक्त जब कहत साली के साल शुरू हुए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कहत साली के जो 7 साल थे उसमें फौरी पहले साल ही आए हों, ऐसा नहीं। इंतज़ाम उनके पास भी शाम में अपना था ही था, और जब वो इंतज़ाम ख़त्म हो गया तो अर्ज़ किया कि इस कहत के असरात बहुत दूर दराज के इलाक़ों तक जाकर पहुँचे। तो शाम वालों ने ये सुना कि मिस्र में कोई शख्स है, बड़ा अच्छा आदमी है, और वो जो है वो शाही ख़जाने उसके पास हैं, और शाही ख़जानों से एक ख़ास मकदार के गल्ले जो है वो दिया करता है लोगों को। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बरादरान ने अपने अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम से इजाज़त ली और ये भी मिस्र में गल्ला लेने के लिए पहुँच गए। इन्हें क्या तसव्वुर, क्या इनकी ख्वाब जाने के यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हमारा भाई है वो इस इख्तदार पर आया हुआ होगा। इनके जहन में तो भाई मर चुका है, कुएं में डाल दिया था, काफले वालों ने निकाल लिया था, पता नहीं कहाँ होगा कहीं, और एक एक अजनबी आदमी भला इतने बुलंद मनसब पर दूसरे मुल्क में जाके कैसे पहुँच सकते हैं। वजा इख्वत यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आगे, फदखलू और दाखिल हो गए अलैहि यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, फ़ारफ़हुम तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखते ही पहचान लिया, वहुम लहू मुनकिरून और ये नहीं पहचान रहे थे। अब यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया कि ये मेरे भाई हैं और वो नहीं पहचान रहे थे, क्यों? पहली बात तो ये है कि आयन मुमकिन है हर आने वाले की एंट्री की जाती हो, लिखा जाता हो कहाँ से आए हो, किसके बेटे हो, वल्दियत क्या है, शाम से आए, शाम किस जगह से, किनान से आए, किनान की किस बस्ती से, फलां बस्ती से, बाप का क्या नाम है, याकूब है, और कितने भाई हो, ये उनका क्या नाम है, ये और कौन था, एक और था जो गुम हो गया। तो जाहिर सी बात है ये सारी बातें जब सामने आएंगी, ये सारा डेटा आएगा तो आदमी पहचान लेगा ना, एक बात तो ये इसलिए पहचान लिया। नंबर दो, दूसरी वजह पहचान की ये भी हो सकती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उनसे बिछड़े थे तो वो बड़ी उम्र के थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन था उस वक्त, और जब इंसान 24, 25, 26 साल तक हो जाता है तो उसके बाद इंसान की शक्ल आमतौर पर बदलती नहीं है, चेहरा शनासाई आसान होती है, इसलिए कि दाढ़ी आ चुकी है, तो वो अगर 10 साल के बाद भी देखेंगे तो उसी तरह से। लेकिन एक एक बच्चे को अगर आपने देखा है 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल की उम्र में आपने देखा है और फिर 10 साल, 15 साल के बाद दोबारा देखें तो ज़रा पहचान उसकी मुश्किल होती है, तो ये भी हो सकता है। बहरहाल और वो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछने से रहे कि अच्छा भाई ये बादशाह कौन है, ये किसका बेटा है, ये कहाँ से आया, वो तो नहीं पूछ सकते ना बादशाह के मुतालिक, क्यों तुम तफ्तीश कर रहे हो। तो इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो पहचान लिया, वहुम लहू मुनकिरून, लेकिन वो इनकारी थे, इनकारी से नहीं पहचानने वाले थे। वलम्मा जहाज़हुम बिजहाज़िहिम, और वलम्मा जहाज़हुम, यूसुफ अलैहिस्सलाम आम लोगों की तरह उनके साथ रवैया रखते रहे, कोई ख़ास अलग से चीज़ आपने ऐसी नहीं जाहिर करने दी, नहीं होने दी जिससे उन्हें पता चले कि ये हमें जानते हैं, महसूस ताकि ना हो, और ये अल्लाह का हुक्म ही इसी तरह से था। वलम्मा जहाज़हुम, जब उनका तैयार किया गया सामान, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका सामान तैयार करवाया,
तो काला तूनी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ए तूनी भी अखिल लकुम, एक और जो तुम्हारा भाई है ना मिन अबीकुम, तुम्हारे बाप में बाप शरीक है, उसको भी लेके आना, अगली बार आओगे तो उसको भी लेके आना, समझे, दोबारा गल्ला लेने के लिए आओगे ना उसको भी लेके आना। जाहिर सी बात है कि ये इस बात की तरफ इशारा है, या तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बजरिया वही पता चल गया कि कोई और भाई भी है, और या यह कि सारी तफ्तीश की है, अहवाल पूछे हैं, तो वो भाई भी अपना लेके आना। अला तरौना, तरगीब दिए, अला तरौना अन्नी उफिल कैला, तुम देखते नहीं हो कि मैं पूरा पूरा दे देता हूँ, वा अना खैरुल मुंजिलीन, और मैं बेहतरीन मेहमान नवाजी करने वाला हूँ, कितना अच्छा इंतज़ाम मैंने किया है, बेहतरीन मेहमान नवाजी की है तुम्हारी, और पूरा पूरा दे देता हूँ, जो जितनी पूंजी लेके आता था ना तो उसके हिसाब से गल्ला सस्ता दिया करते थे, नहीं कुछ उजरत लेकर गल्ला दिया करते थे, तो ये इंतज़ाम था। और याद रखना फ़ैलम तातूनी बिही, अगर तुम उसको नहीं लेके आओगे फला कैल लकुम इंदी, फिर मेरे पास नहीं है कुछ भी, फिर नहीं आ, समझे जी। तो एक थोड़ा सा ड्रामा भी था और एक तरगीब भी थी। तरगीब ये थी कि जनाब देखो मैंने तुम्हारे साथ एहसान किया है, इकराम करता हूँ, तो ले आना दोबारा उसको, ठीक है छोटा है तो कोई बात नहीं, मैं छोटा है तो मैं उसकी इज्जत करूँगा। वाला तकरबू नहीं, और अगर तुम नहीं लेकर आए तो फिर मेरे पास मत लेके आना। कालू, कहने लगे सन उराबिदु अनहु अबाहू, हम कोशिश करेंगे सन उराबिदु, हम अन करीब जो है उसके बारे में अब उसके बाप को राजी करेंगे। सन उराबिद, हम क्या करेंगे, राजी करेंगे, फिसलाएंगे, ये वही लफ्ज़ है जो राबदत पीछे आया था, वही लफ्ज़ है कि हम अमादा करेंगे, तैयार करेंगे, सन उराबिदु, राजी कर लेंगे, अन हो उसके बारे में, अबा हो उसके बाप को, वही ना लफाइलुन, और कहा कि हम कर लेंगे, वही ना लफाइलुन, थोड़ा सा यकीन दहानी भी करवानी थी कि हम कर लेंगे, इसलिए कि इनको पता था कि हमारे अब्बा जान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हमारी बात को रद्द नहीं करते, पहले भी नहीं रद्द किया था तो रद्द नहीं करते। वकाल अलिफित या नहीं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक तीसरी तदबीर यहाँ इख्तियार की, अपने खादिमों से कहा हैं, अपने जो वहाँ के शाही लोग थे जो गल्ला देने पर मामूर थे उनको कहा इजअलू बिज़ाअतहुम फ़ी रिहालिहिम, भाई ऐसा करो इजअलू बिज़ाअतहुम फ़ी रिहालिहिम, इनकी पूंजी को वापस लुटा दो इनके सामानों में, लअल्लहुम यारिफूनहा, जब ये उसको पहचानेंगे, इदन क़लबू इला अहलिहिम, जब ये अपने घर में जाएंगे, लअल्लहुम यरजिऊन, तो ये शायद वापस आ जाएं। अब यहाँ बात समझने की है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो सारी की सारी पूंजी जो पैसे वो लेकर आए थे गल्ले के, वो सारे वापस डलवा दिए, चुपके से वापस डलवा दिए, वापस डलवा दिए, और गल्ला वैसे ही उनको दे दिया। और ये तदबीर इसलिए की कि जब ये वहाँ जाके देखेंगे और याकूब अलैहिस्सलाम भी देखेंगे तो वो फौरी इनको वापस भेजेंगे कि जाओ जाके ये पैसे दे के आओ, ये गलती से पैसे आ गए। उनको पता था ये पैगंबर का घराना है, उन्हें पता था ठीक है इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, लेकिन इतने भी गए गुजरे नहीं है कि जब ये शाही माल देखेंगे, खजाना देखेंगे, पैसे देखेंगे तो ये क्या करेंगे, लाजमी वापस लेके आएंगे। तो उनकी वापसी मकसूद और मतलूब थी कि किसी तरह से ये वापस आए और अपने छोटे को भी साथ लेके आए, बात समझे जी। एक कॉल ये है, और ये भी हो सकता है कि आयन मुमकिन है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो शाही खजाने से न दिया हो, यानी उनकी पूंजी तो वापस कर दी हो और शाही खजाने के अंदर अपनी जात से अपनी जेब से पैसा डाला हो। जाहिर सी बात है कि 7 साल तो गुजर गए और ज़माना गुजर गया, इतने ज़माने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ुर्रियात का यहाँ से जाहिर है जिस मनसब पर फायज़ हैं उस मनसब के की हक़ुल ख़िदमत मजदूरी और उजरत तो थी ही थी, तो उसमें से जो है ना वो शाही खजाने में डाला और उनके पैसे उसी तरह से वापस कर दिए, बात समझे जी। वकाल रफीत यानि जालू, और कहा जनाब अपने मुलाजमों से कहा इजालू बिजात हूँ, कर दो इनकी पूंजी को, इनकी पैसों को, फिर रिहालिहिम इनके सामान में, लअल्लहुम यारिफूनहा, जब इसको ये देखेंगे पहचानेंगे, इदन क़लबू इला अहलिहिम, जब अपने घरों में जाके खोलेंगे, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये वापस आए, फलम्मा रजऊ इला अबीहिम, जब ये अपने अब्बा जी के पास वापस आए, कालू कहने लगे या अबाना, ऐ हमारे अब्बा जान, मुनिया मिन्नल कैल, एक आदमी का गल्ला हमसे रोक दिया गया है, मुनिया मिन्नल कैलू, एक कैल रोक दिया गया है, एक गल्ला, क्यों एक आदमी का गल्ला नहीं दिया गया, हमने काम इतने इतने भाई हैं और एक हमारे भाई छोटे घर में हैं जो अब्बा के पास हैं और एक हमारे भाई गुम हो गए हैं, उनका हमें पता नहीं कहाँ है, तो लिहाजा जो हम मौजूद थे वो हमें गल्ला दे दिया गया और इस हमारे छोटे का गल्ला नहीं दिया गया, और क्यों, उन्होंने कहा कि इसको साथ लेके आना तो तब गल्ला मिलेगा।
फारसिलवाना अखाना, आप हमारे साथ भेज दीजिए हमारे भाई को नक्तल, ताकि इनके लिए भी हम पूरा का पूरा गल्ला लेके आए। वइन्ना लहू लहाफिज़ून, और हम हिफाजत करेंगे, आप गम न करें। ठीक है, यूसुफ के मामले में पहले हमने हिफाजत नहीं की थी, गलती हो गई, अब तो करेंगे। काल कहने लगे, हल आमनुकुम याकूब, कहने लगे याकूब अलैहिस्सलाम, हल आमनुकुम, कि क्या मैं एतमाद कर दूँ अलैहि, इसके क्या मैं तुम्हारे ऊपर एतमाद कर लूँ अलैहि, इसके बारे में, किसके बारे में? ओ बनियामीन, उसका नाम था यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो भाई, सगा भाई, यानी माँ शरीक भाई था। इल्ला कमा अमन तुकुम, क्या उसी तरह से एतमाद करूँ जिस तरह से इससे पहले मैंने तुम पर एतमाद किया इसके भाई के मामले में? नहीं। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है, वह हुवा अरहमुर राहिमीन, और वही रहम करने वाला है। वलम्मा फतहु, ये बातें उस वक्त हुई हैं जब घर में पहुँचे और पता चला कि एक आदमी का सामान नहीं मिला, एक ऊँट का सामान नहीं, एक ऊँट का सामान देते थे एक आदमी को, तो उसका नहीं मिला इसलिए कि साथ मौजूद नहीं था। वलम्मा फतहु मताअहुम, जब अपना सामान खोला है, वजदु बिज़ाअतहुम, तो उन्होंने अपनी पूंजी को पाया, पूंजी से मुराद पैसे, पाया, रुद्दत इलैहिम, वापस लौटा दी गई। कालू, कहने लगे, या अबान, ऐ हमारे अब्बा जान, मा नबगी, हमें और क्या चाहिए, हाज़िही बिज़ाअतुना, रुद्दत इलैना, ये हमारे पैसे वापस कर दिए गए हैं। व नमीनु अहलना व नहफ़ज़ु अख़ाना व नज़दादु कैला बईर, व नमीर अहलना, और हम गल्ला लेकर आएंगे अपने घर वालों के लिए और भी, व नहफ़ज़ु अख़ाना, और अपने भाई छोटे की हिफाजत भी करेंगे, व नज़दादु कैला बईर, और एक ऊँट का बोझ और ज़्यादा हो जाएगा, ज़ालिका कैलु यसीर, और ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये इस बिन्यामीन के जाने की देरी है, कोई मुश्किल नहीं है। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काल लन उरसिलहु, हरगिज़ नहीं भेजूंगा इसको माकुम, तुम्हारे साथ, हत्ता तूतूनि मौसिकन मिनल्लाह, यहाँ तक कि तुम मुझे दे दो मौसिकन वादा मिनल्लाह, अल्लाह की जानिब से पक्का वादा, क्या लतअतुन्नी बिही, कि तुम इसको वापस लेके आओगे, ऐसा ना हो कि जनाब इसको भी तुम कहीं करके आओ और कहोगे भेड़िया खा गया उसको, है जी। हाँ, इल्ला अन युहाता बिकुम, अगर कोई ऐसी मजबूरी तुम सब पर आ जाए और न ला सको तो वो अलहदा है, वो मुस्तस्ना है। फलम्मा आतौहुम मौसिकहुम, जब उन सब ने वादा दिया है, काला, तो याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाहु अला मा नकुलु वकील, जो बात हम कह रहे हैं उस पर अल्लाह ही जामिन है, अल्लाह ही गवाह है, अल्लाह ही जामिन है। चलो ठीक है भाई, ले जाओ बेटा, ले जाओ इसको भी ले जाओ, ख्याल रखना, हिफाजत करना, जो एक बाप अपनी औलादों को नसीहतें कर सकता है वो सारी नसीहतें उस वक्त की, दुआओं के साथ रुख्सत कर दिया। और एक और बाप की शफ़क़त, याकूब इस्लाम की शफ़क़त देखिए, वकाला, कहने लगे, या बनिया, ऐ मेरे बेटो, ला तदखुलु मिन बाबिन वाहिदिन, एक दरवाज़े से न दाखिल होना सारे के सारे, ऐसा ना हो नज़र लग जाए, इसलिए कि सब जवान थे ना और ताकतवर थे सारे, तो ज़ाहिर है 10-11 आदमी एक दरवाज़े से एक साथ दाखिल हो और वो भाई हों, एक से एक मोटा ताज़ा हो, समझे, तो कहीं नज़र न लग जाए। तो पता चला कि नज़र बद का लगना बरहक है, नज़र बद लगती है, उससे बचने के जो असबाब हों वो इख्तियार कीजिए, नहीं समझे, अलग अलग हो जाया करो, अलग अलग, ला तदखुलु मिन बाबिन वाहिदिन। अब यहाँ तो हम ये करते हैं कि जनाब क्या है, अल्लाहु अकबर, किसी का दिल दुखाने के लिए, उसको तड़पाने के लिए, उसको जलाने के लिए अपना माल भी दिखाते हैं, अपनी गाड़ी भी दिखाते हैं, अपना सारा सामान भी दिखाते हैं, देखा ये है, साथ कहते भी हैं अल्लाह ने बड़ा फजल फरमाया, अल्लाह तो देख रहा है ना, जामिन, वल्लाहु अला मा नकुलु वकील, दिल में क्या बात है, इस दिखाने का मकसद क्या है, इस दिखाने का मकसद अपनी बर्तरी जाहिर करना है, तो फिर समझ लो कि नज़र बद आई है, बस ये मुसीबत आई है, ये खुद आपने अपने पाँव पे कलहाड़ी मारी है, खुद इस माल के जवाल का सबब खुद बनने लग गए हो, ख्याल किया करो, नज़र बद से बचा करो, बहुत बदतरीन चीज़ है नज़र बद, आमाल बताए इसके लिए, इससे बचने के आमाल हैं, मसनून आमाल हैं, सुबह शाम मुआवज़तैन का अहतमाम करो, सूरह फलक, सूरह नास का अहतमाम किया करो, समझी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या आता है, एक शख्स जो है, एक शख्स के मुतालिक एक बेहोश हो गया एकदम से, तो ख़ानदान वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए, आपने पूछा क्या हुआ,
का तुम्हें किसी पर शक है कि किसी की नज़र इसको लगी? कहा हाँ फलां पर शक, फलां को बुलाया गया। तो उसने कहा हाँ मैं गुजर रहा था तो ये किसी जगह पर नहा रहा था और इसके जिस्म का ऊपर का हिस्सा मुझे नजर आया और मैंने ऐसा खूबसूरत जिस्म किसी का कभी नहीं देखा। तो मैंने कहा क्या ही खूबसूरत जिस्म। फरमाया क्यों अपने भाई को मारना चाहते हो? क्यों तूने माशाल्लाह नहीं कहा? क्यों मारना चाहते हो उसको? और फिर आपने उससे गुसल करवाया जिसकी नजर लगी थी और फिर उसके गुसल का पानी जमा करवा कर इसको डाला जिसको नजर लगी है। तो जिस शख्स की नजर लगती है उसका पानी गुसल का, वजू का और उसका सारा पानी जमा किया जाए और फिर इस पर डाला जाए जिसको नजर लगी है, तो वो फौरी ठीक हो गया। समझे जी? लेकिन ये उस सूरत में जब आपको पता चला है कि कहां से लगी है और फिर वो ऐसा कर दे। अच्छा, हदीस में ये भी आया कि अगर तुमसे इसका मुतालबा किया जाए तो कर दिया करो। यानी अगर तुमसे कोई मुतालबा करे कि तुम गुसल करके अपना पानी मुझे दे दो तो दे दिया करो भाई, शायद उसका काम बन जाए। समझे जी? तो ये इसमें ख्याल करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए और आदमी को माशाल्लाह कह देना चाहिए। जब माशाल्लाह कहेगा तो नजर नहीं लगेगी। ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन, मत दाखिल होना एक दरवाजे से। वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, और मुतफर्रिक दरवाजों से अलग अलग दाखिल होना। वमा उग्नी अनकुम मिन अल्लाह मिन शय, और मैं तुम्हें फ़ायदा नहीं दे सकता। मिन अल्लाह मिन तकदीर अल्लाह, अल्लाह की तकदीर से मैं तुम्हें कुछ नहीं बचा सकता। अगर अल्लाह की तकदीर में ये लिखा है तो ये होकर रहेगा, लेकिन एक ज़ाहरी सबब है बचाने का, मैं वो बता रहा हूँ। इन हुक्म इल्ला लिल्लाह, नफ़े और नुकसान का मालिक तो सिर्फ अल्लाह ही है। अलैहि तवक्कल, तो उसी पर भरोसा करना चाहिए। عليه فليتوكل المتوكلون, और उसी पर भरोसा करने वाले भरोसा किया करते हैं। ولما دخلوا من حيث امرهم, जब वो दाखिल हो गए शाम से जाके मिस्र में, फिर पहुंचे और फिर मिस्र में दाखिल हुए। حيث امرهم ابوهم, जैसा अब्बा ने हुक्म दिया था। तो इतने भी कोई नाफरमान नहीं थे अब्बा जी के भाई। समझे? जिस तरह से अब्बा ने हुक्म दिया था उस तरह से दाखिल हुए, फर्मबरदारी थी, फर्मबरदारी करने वाले थे। बस एक मामले में मामला बर्दाश्त नहीं हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप से जुदा कर दिया। और जाहिर सी बात है कि इनकी तौबा भी कबूल है, आगे इनकी तौबा का भी तज़किरा है। मा कान युग्नी अनहुम मिन अल्लाही मिन शई, वो फ़ायदा नहीं दे सक, मा कान युग्नी अनहुम, यूसुफ अलैहिस्सलाम फ़ायदा नहीं दे सकते थे अनहुम उनको, मिन अल्लाही अल्लाह की तकदीर से, मिन शईन कुछ भी, इल्ला हाजतन, हाँ मगर एक तदबीर थी। फी नफ्स याकूब, यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में क़ज़ाहा, उस तदबीर को उन्होंने पूरा किया है कि भाई यूँ दाखिल होना तो ताकि नज़र से बच जाओगे। वइन्नहु लज़ू من لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون وانه لذو علم, اور حضرت یعقوب علیہ السلام البتہ علم والے تھے۔ کیوں؟ لما علمناه, ہم نے ان کو علم سکھایا ہے۔ عالم الغیب پہلے سے نہیں تھے۔ ولكن اكثر الناس لا يعلمون, اکثر لوگ نہیں جانتے ان کو, انبیاء کو عالم الغیب سمجھتے ہیں۔ اگلی نشست میں پھر یوسف علیہ السلام کا اور بھائیوں کا آپس میں مکالمہ, ये इंशाअल्लाह फिर होगा।